sauté. समर्पण एवं निष्ठा भाव से किए गए तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हुए। कहो दक्ष नंदिनी, किस प्रयोजन से तुमने इस कठोर व्रत का पालन किया? कहो अपनी मनोकामना। तुम अभीष्ट वर की अधिकारिणी हो। मुझे अभीष्ट वर प्राप्त होगा ना भगवान? अवश्य होगा। कहो दक्ष पुत्री, क्या इच्छा है? सर्वज्ञ सर्वव्यापी का अंतर्यामी मेरे मन संज्ञान से छिपा नहीं। मैंने बाल्यकाल से पति रूप में आप ही की कामना की है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी इच्छित नहीं है भगवान। तथास्तु। सती, तुम्हारा और हमारा अभीष्ट भिन्न नहीं है। तुम्हारा अर्धांगिनी रूप ही जगत के लिए कल्याणकारी होगा। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरे अभीष्ट और अपने वरदान की पूर्ति के लिए प्रभु आप शीघ्र ही मेरे पिताश्री से संबंध को निश्चित कर विवाह का आयोजन करें। ऐसा ही होगा प्रिय। पुत्री के पक्ष का प्रजापति दक्ष कठोर शब्दों में विरोध करते हुए उसे सती को शिव आराधना से विमुख करने का आदेश देते। वीरणी कातर भाव से शिव स्मरण करती रह जाती है। देवऋषि, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि विषय महत्वपूर्ण और गंभीर है, तो आपने जो किया वो धृष्टता कैसे? अपने आने का मंतव्य बताइए। प्रभु, दक्ष पुत्री देवी सती
अत्यधिक व्याकुल और पीड़ित हैं। मुझसे उनकी दशा देखी नहीं गई और मैं आपके चरणों में चला आया। उनकी पीड़ा का कारण? नारायण नारायण, ये सर्वविदित है कि आप ही नटराज हैं, किंतु हे महेश्वर, नाट्य विद्या के प्रदर्शन के लिए ये समय उचित नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी आपका अनभिज्ञ होने का नाटक देवी सती के कष्ट में और भी वृद्धि करेगा। आप तत्काल ये बताने की कृपा करें कि देवी सती और आपके विवाह के बीच भ्राता दक्ष का विरोध रूपी विघ्न जो आ रहा है, उसे विफल कैसे किया जाए, उसका उपाय क्या है? किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में नंदाव्रती कन्याओं की कामना पूर्ति का सर्वोत्तम उपाय है। हे देवऋषि, अब ये मत पूछ बैठेगा कि नंदाव्रत क्या है। हे देवेश्वर, आश्चर्य है, सृष्टि का भार स्वयं पर लिए हुए भी आप विनोदपूर्ण वार्तालाप कैसे कर लेते हैं। नारायण नारायण, देवी सती की आराधना का परिणाम क्या निकलेगा, ये जानना मेरे लिए तो असंभव है, किंतु हे महेश्वर, आपकी लीला आप ही जाने। मेरी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम पूजन में न जाने कहां और क्या कमी रह गई है, जो मेरे आराध्य तक मेरा स्वर नहीं पहुंच रहा, वह इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहा जो अपने आराध्य से अलग होते हुए होती है। सती, धैर्य रखो सती, तुम्हारी प्रेम में तपस्या निरर्थक नहीं जाएगी, तुम्हारे स्वामी आएंगे, अवश्य आएंगे। ये सत्य कहती है पुत्री, तुम्हारे मन कामेश्वर अवश्य आएंगे, किंतु तभी जिस पल विधाता ने उनका आना निश्चित किया होगा। तो फिर मिलन की उस पल की प्रतीक्षा में मैं तब तक यहां बैठी रहूंगी जब तक मेरे स्वामी आकर मुझे स्वीकार न कर ले। पुत्री, ये बालोचित हट तुम्हें शोभा नहीं देती, चलो घर चलें। माती, आप तो स्वयं स्त्री हैं, किसी की पत्नी भी हैं, आप भी मेरी विरह जनित व्याकुलता को नहीं समझ पा रही। समझती हूँ पुत्री, किंतु तेरे पिता का क्रोध मुझे भयभीत कर रहा है, किसी अमंगल की कल्पना मुझे आतंकित कर रही है। हर चल नहीं माते। नारायण नारायण, प्रणाम देवर्षि, मंगल हो देवियों, मंगल हो। देवी सती, आपके लिए देवाधिदेव भोलेनाथ शिवशंकर का एक संदेश है। ठीक है देवर्षि, आपके और उनके विवाह के बीच जो बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए नंदाव्रत करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नंदाव्रत? हाँ, मन चाह पति पाने की दिशा में नंदाव्रत एक सिद्ध उपाय है, यही महेश्वर का कथन है। देवियों, चाहे तो आप भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। नारायण नारायण, इस व्रत को करने का विधि विधान क्या है? बताइए बताइए। हम लोगों को चिठोली सुन रही है और मेरे यहाँ प्राण जा रहे हैं। माता, कृपया आप घर के लिए प्रस्थान करें और इन नटखट भैरों को भी अपने संग ले जाएं। किंतु हमें भी तो व्रत की विधि सीखनी है ना माते? जैसे तुम्हारी इच्छा पुत्री। कल्याण हो। शीघ्र बताइए देवऋषि, व्रत की विधि क्या है? बताइए देवऋषि। नारायण नारायण, व्रत की बात शांतिपूर्वक सुननी होगी। देवियों, इतनी उतावली मत बनो, मैं आपको व्रत की विधि अवश्य बताऊंगा, परंतु आप सबको मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या देवऋषि? सबसे पहले देवी सती नंदा व्रत करेंगी और इनका व्रत पूर्ण होने तक आप सब इनकी हृदय पूर्वक सहायता करेंगे और व्रत की विधि का इन्हें स्मरण कराते रहेंगे, क्योंकि यह व्रत एक वर्ष में पूर्ण होगा और एक वर्ष तक तिथियों के अनुक्रम से विविध सामग्रियों से आपको भगवान महेश्वर का पूजन एवं स्मरण करना होगा।
जागरण के साथ साथ उपवास भी करना होगा। अन्य विधियां आपकी बहनों को मैं अवगत करवा दूंगा, ये आपको स्मरण कराती रहेंगी। मुझ पर आपने जो उपकार किया है उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी देवऋषि। सुलेखा, जी महाराज। तुम्हारी स्वामी कहाँ गई है? वो नदी स्नान को गई है महाराज। नदी स्नान? गोविंद कुबेला में? नहीं नहीं, कदाचित वे राजकुमारी सती के साथ हैं। वो तो वहाँ नित्य जाती ही है ना। स्वामी आ गए महाराज। ठीक है, तुम जा सकती हो। महारानी, सती कहाँ है? वो अपनी बहनों के साथ संध्या भ्रमण के लिए गई है। संध्या भ्रमण? हाँ। या नदी भ्रमण? हम सभी नदी तट पर थे, मैं, सती और उसकी बहनें। परंतु महारानी, मेरी अन्य पुत्रियां और तुम तो आ गई हो, सती को अकेली कहाँ छोड़ाई? मैं जानता हूँ महारानी कि सती वहाँ क्या कर रही होगी। वो वहाँ शिव नाम के खिलौने बनाकर उनके साथ खेल रही होगी। स्वामी, ऐसी बातें मुख पर ना लाइए। शिव के प्रति सती की भावना को खेल ना कहिए। महारानी, ये माना कि सती की आयु अभी उचित अनुचित का भेद करना नहीं जानती, परंतु तुम उसे प्रोत्साहन दे रही हो। तुम उसे जानबूझकर ऐसी दिशा की ओर जाने की अनुमति दे रही हो जहाँ दुख ही दुख है, काटे ही काटे हैं। स्वामी, यदि आप उसके पिता हैं तो मैं उसकी माता हूँ। मैंने 9 महीने उसे गर्भ में रखा है, पालन पोषण करके बड़ा किया है। क्या मैं अपनी पुत्री को सुखी देखना नहीं चाहती? महारानी, यदि ऐसा होता तो तुम स्वप्न में भी अपनी पुत्री के लिए ऐसे पति के विषय में ना सोचती जो गृहस्थ धर्म का पालन करना ही नहीं जानता, जो पर्वत श्रृंखलाओं पर बैठा भभूति रमाए बागंबर लपेटे अपने भयंकर गणों के साथ योगियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हो। ठीक है महारानी, ठीक है। मैं अभी इसी समय सती को बलपूर्वक यहाँ ले आता हूँ। नहीं स्वामी, नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, विधाता के लिखे को चुनौती मत दीजिए। सती की साधना भंग करके पाप के भागी मत बनिए। आपका ये एकमात्र पाप आपके जीवन भर के पुण्यों का फल आपसे छीन लेगा। चिंता छोड़िए स्वामी, और परिस्थितियों की नौका को समय की धारा में छोड़कर निश्चिंत हो जाइए और सती को उसकी आराधना करने दीजिए। स्वामी, सती को उसकी आराधना करने दीजिए। नंदा
जिसमें मौन ही बन जाता है अपने आप में भाषा, निश्चय ही वो आके देंगे तेरे इस जीवन को गति, तेरे इस जीवन को गति। सुन रे सती, सुन रे सती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः सती। प्रभु, आप स्वामी, स्वामी मैं आपके दर्शन पाके धन्य हूँ। समर्पण एवं निष्ठा भाव से किए गए तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हुए। कहो दक्ष नंदिनी, किस प्रयोजन से तुमने इस कठोर व्रत का पालन किया? कहो अपनी मनोकामना। तुम अभीष्ट वर की अधिकारिणी हो। मुझे अभीष्ट वर प्राप्त होगा ना भगवान? अवश्य होगा। कहो दक्ष पुत्री, क्या इच्छा है? सर्वज्ञ सर्वव्यापी का अंतर्यामी मेरे मन संज्ञान से छिपा नहीं, मैंने बाल्यकाल से पति रूप में आप ही की कामना की है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी इच्छित नहीं है भगवान। तथास्तु। सती, तुम्हारा और हमारा अभिष्ट भिन्न नहीं है। तुम्हारा अर्धांगिनी रूप ही जगत के लिए कल्याणकारी होगा। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरे अभिष्ट और अपने वरदान की पूर्ति के लिए प्रभु आप शीघ्र ही मेरे पिताश्री से संबंध निश्चित कर विवाह का आयोजन करें। ऐसा ही होगा प्रिय।
सफल हो गए पिताश्री, मेरी तपस्या सार्थक हुई। सती अपनी चेतना में लौटाओ। पिताश्री मैं तो पूर्ण रूप से चेतन हूँ, मेरी साधना की सफलता ने तो मुझे और चेतन कर दिया है, मुझे और चेतन कर दिया है पिताश्री। सती प्रलाप बंद करो। अब तो आराम आरंभ हुआ है पिताश्री, दिव्य सुर और मधुर झंकार से पूर्ण आलाप। भगवान शिव ने मुझे अर्धांगिनी स्वीकार करने का वरदान दिया है पिताश्री, मुझे वरदान दिया है, मुझे वरदान दिया है। वरदान? तुम्हें अर्धांगिनी बनाने का? क्या उस भस्म लिप्त देव को हम अपना जामाता बनाएंगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं सती। हम ये वरदान फलित नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सती तुम कुछ कहो ना कहो, तुम्हारे खिले खिले मुख की एक एक रेखा ये उद्घोष कर रही है कि तुम्हें तुम्हारा मनमीत मिल गया है। जल्दी बताओ ना सती, नंदा व्रत का प्रयोग क्या सफल हुआ? ठीक बताओ ना सती, फिर हम भी अपने मनचाहे पति को पाने का प्रयास आरंभ करें। हाँ, मेरा व्रत सफल हो गया है। मेरे आराध्य ने मुझे दर्शन दिए और कहा वे शीघ्र ही मुझे पत्नी रूप में वरण करेंगे। परंतु सती पिताश्री इस विवाह के विरुद्ध हैं, कहीं ऐसा ना हो। शिव जी का वचन मिथ्या नहीं होता बहन, जब संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में मानता है तब उनके मुख से निकले वचन असत्य हो ही नहीं सकते। और सुंदर स्वरूप भोलेनाथ, श्री शिव शंकर के चरणों में ब्रह्मा का प्रणाम। कैलाश में आपका स्वागत है ब्रह्मा जी, आपके लिए एक शुभ समाचार है। दक्ष पुत्री और आपकी पोत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का वचन दे दिया है। अपने और मेरे बीच इस नवीन संबंध के जुड़ने की सूचना देकर आपने मेरा मन प्रसन्न कर दिया प्रभु, मैं आपका अति आभारी हूं। इतना अधिक भी प्रसन्न मत होइए ब्रह्मा जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्रसन्नता आप तक ही सीमित रह जाए। आपके कहने का तात्पर्य क्या है सदाशिव? आपके पुत्र दक्ष प्रजापति का मन मुझसे विमुख है, इस विवाह के लिए उनसे स्वीकृति लेना अब आपका ही उत्तरदायित्व है। आप निश्चिंत रहिए शिव शंकर जी, वैसा ही होगा जैसे आपकी इच्छा है। आपने मेरी पौत्री को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करके मुझे और सती दोनों को कृतार्थ किया है। मैं पुत्र दक्ष से स्वयं अनुरोध करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस अनुरोध को आज्ञा मानकर इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे। नहीं, कभी नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस बैरागी औगढ़ शिव से कभी नहीं करूंगा। समस्त ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे ये कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, कदापि बाध्य नहीं कर सकती, कदापि नहीं। पुत्र दक्ष। पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जिस शक्ति को अपना आराध्य समझती हूं उन भोलेनाथ की आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना ही होगा पुत्र, इस विवाह को तुम रोक नहीं सकते। पिताश्री, शिव प्रेम के दंश ने सती को तो बुद्धि भ्रष्ट कर ही दिया है, परंतु उसकी मां अर्थात आपकी पुत्र वधु वीरनी की भी मति हर दी है। पिताश्री अब आप ही समझाइए इन माता पुत्री को। समझाने तो हम तुम्हें आए हैं पुत्र, इस विवाह में बाधक मत बनो, इसे हमारी भी आज्ञा समझो। ये आप कह रहे हैं पिताश्री? हाँ, ये जानते हुए भी कि राजकुल में जन्मी पली बढ़ी आपकी पोत्री को इस विवाह से केवल कष्ट ही कष्ट होने वाले हैं। तुम्हारा ये सोचना सर्वथा अनुचित है दक्ष। तुम तो राजा, मात्र एक राजा, संसार के समस्त राजघरानों की वैभव संपदा को यदि तुम एक पलड़े में डाल दोगे
तब भी भगवान शिव के वैभव और उनकी गरिमा का पलड़ा उससे कहीं अधिक भारी होगा। परम पिता, यदि आपका कहा मान भी लिया जाए तो भी विधि के अनुसार मुझे सती की अन्य बहनों का विवाह पहले करना होगा। उसका विवाह तो तभी हो सकता है जब मैं तुम्हारा अभिप्राय समझता हूं, परंतु सती आदिशक्ति का होता है और शिव सती का विवाह विधाता का अटल विधान है। तुम्हारी इच्छा हो या न हो, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। मेरा कहा मानो और सहर्ष इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र, वत्स दक्ष, स्वीकृति दे दो, स्वीकृति दे दो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र, और सर्वप्रथम ये शुभ समाचार हमारी पुत्रवधू और पौत्रियों तक पहुंचा दो, जिससे उनके अशांत हृदय को शांति मिले। शांति और धैर्य ही नारी के आभूषण है। इस तरह विचलित मत हो सती, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माते, मेरा मन अत्यंत व्यथित है। मेरी व्यग्रता चिंता बनकर मेरे मन को खाए जा रही। अरे सती, यूं मुलट काहे क्यों खड़ी हो? नाचो गाओ, मोद बनाओ। पिताश्री ने तुम्हारी मन की इच्छा को स्वीकृति दे दी है और भगवान शंकर ने तुम्हारे विवाह की घोषणा भी कर दी है। माते, ये क्या सती, जब तुम्हारी तपस्या का फल मिला तो तुम रो रही हो? माते, ये मात्र मेरी तपस्या का नहीं, आपकी ममता और आपके प्रेम का भी फल है। यदि आप पिताश्री को अपने तर्कों से निरस्त न करती तो ये क्षण आने में न जाने कितने योग बीत जाते और आपकी पुत्री भोलेनाथ को पाने के लिए सदा सदा के लिए असमर्थ हो जाती। माते, किशोरियों जैसी लालिमा कहां से आ गई? महेश्वर, कहीं आपने अपने अंतर्मन में देवी सती को तो नहीं छुपा रखा? नारायण नारायण। देवाधिदेव महादेव के चरणों में शिव शंभु, उस दिन आपने मुझे एक शुभ समाचार दिया था, आज मैं आपको एक समाचार दे रहा हूं। मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार कर लिया है। भगवान शिव शंकर की जय, देवी सती की जय। भगवान शिव शंकर की जय, देवी सती की जय। पुत्र ना, ये सभी देवताओं को शिव सती विवाह में बधाने का आमंत्रण देती हूँ। अवश्य अवश्य परमपिता, अवश्य मैं ये मंगल कार्य शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे जगदीश्वर, हे भक्त वत्सल,
इस अकिंचन नारद का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा मंगल हो नारद, कहो कैसे आना हुआ? परम पिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मैं आपको शिव सती विवाह के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। धन्य हो गए हम, यह सुनकर अति आनंद हुआ। प्रभु, सर्वत्र आनंद और हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है, परंतु आशंका यह भी है कि विवाह उपरांत ससुर जामाता अर्थात राजा दक्ष और देवाधिदेव शिवशंकर के संबंधों में सुधार आएगा या नहीं। जीव या पदार्थ कोई भी हो, बड़ी कठिनाई से अपना स्वभाव छोड़ता है। अब विधाता के विधान गर्भ में क्या छिपा है, यह तो समय आने पर ही ज्ञात होगा। हे सर्वज्ञ, हे अंतर्यामी, सब कुछ जानते हुए भी आप अनभिज्ञ बन रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, इस शेष शैया पर देवी महालक्ष्मी कब विराजेंगी, तो क्या तब भी आप यही कहेंगे? विधाता जाने। नारद, सत्य तो यह है कि घटनाक्रम में कुछ नवीन मोड़ आने वाले हैं, उनके बाद ही देवी लक्ष्मी का आगमन संभव है। इस समय का घटनाक्रम ये कहता है कि हम शिव सती पुरुष और प्रकृति के अद्भुत मिलन का आनंद मनाएं। नारायण नारायण। Thank you.
मैं अपनी पुत्री को वधु वेश में देखकर आ रही हूँ। कितनी सुंदर लग रही है वो, उसके मुख की शोभा तो देखते ही बनती है। हे प्रभु, मेरी पुत्री का मंगल करना, उसे परम सुख और सौभाग्य देना। ये क्या, आपकी पुत्री का विवाह है और आप प्रसन्न नहीं? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी और पिताश्री की इच्छा से हो रहा है, और मैं जानता हूं कि सती के मुख पर आज जो आभा है वो कल धूमिल पड़ी जाने वाली है। हमारी पुत्री को इस विवाह से केवल दुख और निराशा ही मिलने वाली है। ऐसे ऐसे अशुभ वचन न बोलिए स्वामी, प्रभु से प्रार्थना कीजिए हमारी पुत्री सदा सुखी और सौभाग्यवती रहे, उसका जीवन मंगलमय हो। नमः शिवाय।